जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच गुलाब जल, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको मिश्रण ये गाढ़ा लगे तो ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर आप 2-4 बूंद गुलाब जल और मिक्स कर सकते हैं। एक इसको फेस पैक के रूप में बना लीजिए। उसके बाद में अपने चेहरे और गर्दन को धो के साफ़ कीजिए, टॉवल से पोंछ लीजिए। सुखाने के बाद में जो आपने ये फेस पैक बना के रखा है, इसकी एक लेयर लगा के आप 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट के बाद में अपने चेहरे को पानी से गीला कीजिए और हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए इस फेस पैक को आप उतार दीजिए। फेस पैक को उतारने के बाद में आप सादे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगे जब पहली बार आपने इसको धोया होगा लगाने के बाद में, तभी आपको दिखेगा कि आपके फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो आ गई है, निखार आ गया है, चेहरा आपका एकदम साफ दिख रहा है। ये आपको रोज़ लगाना है। जिन लोगों के चेहरे में बहुत दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल हैं, जिनका रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, एकदम काला रंग हो गया है, पहले तो साफ था लेकिन धूप में निकलने की वजह से सांवला हो गया है या डार्क हो गया है, तो ये सारी समस्याएँ आपकी इस फेस पैक से 15 दिन में ही आपको ख़त्म होती नज़र आएंगी। ये इतना अच्छा फेस पैक है, इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे मिट जाएंगे, चेहरे का रंग एकदम निखर जाएगा, डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे, आपके चेहरे की जो स्किन है टाइट होगी, चेहरे में कसावट आएगी। कितनी भी ढीली स्किन हो, ये फेस पैक आपके चेहरे में कसावट लाएगा, स्किन को एकदम ढीला नहीं होने देगा। झुर्रियाँ अगर पड़ गई हैं तो झुर्रियाँ भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। और जिन लोगों के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, वो लोग इस फेस पैक को जब लगाएंगे तो जैसे ही आप लगाएंगे, सबसे पहले इसकी एक पतली लेयर लगाइएगा, 2 से 3 मिनट इसकी मसाज कीजिएगा, फिर इसको 20-25 मिनट के लिए लगा के छोड़ दीजिएगा मोटी लेयर, और फिर जब आप चेहरे को गीला करेंगे धोने के लिए, तब फिर से आप 3 से 4 मिनट मसाज कीजिएगा, इसके हल्के हाथों से फिर धोइएगा, तो धीरे धीरे करके जो झुर्रियाँ हो गई हैं हल्की फुल्की, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको काम का लगे तो प्लीज़ इसको और लोगों में भी शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।